हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश राव। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे पार्ट टू ऑब्स्टेंट गायनेकोलॉजी के बुलेट क्वेश्चन के बारे में, जो गोल्डन की पॉइंट है जो ऑब्स्टेंट एंड गायनेकोलॉजी से। तो उसका पार्ट वन अपन ने अपलोड कर दिया है, पार्ट टू है वो आज अपन आगे डिस्कस करेंगे। पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन जल्दी जाके अभी देख लो। 51 पे अपन बात करते हैं। तो प्रेशर इन अम्लाइकल आर्टरी इज 60 mmHg एंड अम्लाइकल वेन इज 10 mmHg। इम्पॉर्टेंट है ये, जो अम्लाइकल आर्टरी है उसके ऊपर प्रेशर कितना होता है 60 mmHg, और अम्लाइकल वेन के ऊपर प्रेशर कितना होता है, वो होता है 10 mmHg। नेक्स्ट आता है, इन प्रेगनेंसी HCG हार्मोन कैन बी डिटेक्टेड एज सून एज 8 to 9 days ऑन द प्रेगनेंसी एंड मैक्सिमम लेवल एट 60 to 70 days। तो प्रेगनेंसी के दौरान HCG हार्मोन का बढ़ना, तो वो आप डिटेक्ट कर सकते हो 8 से 9 days के ऊपर आपको पता चल जाएगा। और जो ये लेवल है वो मैक्सिमम कहाँ कब पहुंच जाएगा, 60 to 70 days के ऊपर, जो ये है पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। HCG इज प्रोड्यूस्ड बाय सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर ऑफ द कोरियोनिक विलाई ऑफ प्लेसेंटा। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है इसके अंदर, प्लेसेंटा के अंदर। जैसे प्लेसेंटा डिलीवर होता है, डिलीवर होने के बाद सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट वो काउंट किए जाते हैं, उसी से पता चलता है कि जो पूरा का पूरा जो प्लेसेंटा है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। The foramen oval is the functionally closed as just after birth and anatomically closed after 1 year of the birth. जो foramen oval है वो functionally closed हो जाता है birth के बाद में, तुरंत मतलब जन्म होगा उसके बाद में बंद हो जाएगा, और जो anatomically है वो बंद होगा 1 साल बाद में। इसमें 1 साल का टाइम लग जाता है उसके अंदर, बंद होने के अंदर। नेक्स्ट आता है, अम्लाइकल कोड इज ऑल्सो नोन एज फ्यूनिज। अम्लाइकल कोड को अपन दूसरे नाम से जान सकते हैं, फ्यूनिज उसका अदर नेम है। नेक्स्ट है, अम्लाइकल कोड कंटेन टू वेन एंड टू आर्टरी बट आफ्टर 4 month ऑफ गेस्टेशन राइट अम्लाइकल वेन इज डिसअपियर एंड रिमेन वन वेन एंड टू आर्टरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में आ जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। द लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अबाउट 50 cm। जो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो अप्रोक्स 50 cm होती है। प्लेसेंटा सर्कमविलेट इज द कंडीशन इन विच एन ओपेक रिंग इज सीन ऑन द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। इफ द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड बैटल डोर प्लेसेंटा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है बैटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी सीन इन ट्विन प्रेगनेंसी बेबी बोर्न विद डायबिटिक मदर एंड पॉलीहाइड्रोमनियोस। सेक्स ऑफ फिटस इज यूजली रिकॉग्नाइजेबल एट 12 week ऑफ द प्रेगनेंसी। 12 वीक के ऊपर अपन पता लगा सकते हैं कि मेल है या फीमेल। एट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज डिटेक्टेड बाय फीटोस्कोप। 18 से 20 वीक के ऊपर फीटोस्कोप से अपन हार्ट बीट सुन सकते हैं। एट 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी फीटस हैज एबिलिटी टू हियर। एट 32 वीक LS लेसिथिन स्पॉन्जियोमाइलिन रेशियो इज 1:2:1 एंड एट 36 वीक LS रेशियो कितना हो जाता है, 2:1। सिंफाइसिस प्यूबिस इज ए सर्टिलेजिनस जॉइंट फॉर्म बाय जंक्शन ऑफ द टू प्यूबिक बोन अलोंग द मिडलाइन। जो पेल्विक की बोन होती है वो आपस में जो दो प्यूबिक बोन होती हैं वो जहाँ आके मिलती हैं, यहाँ पर जैसे आके मिलती हैं, तो इनको बोलते हैं प्यूबिक सिंफाइसिस।
ये जो जॉइंट होता है दो क्यूबिक बोन मिलकर बनाती है। ट्रू पेल्विस इज डायमंड इन शेप, ट्रू पेल्विस होती है वो डायमंड शेप की होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। डायगोनल कॉन्जुगेट इज लाइन फ्रॉम द सैक्रल प्रोमिनेटरी टुवार्ड द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिंफाइसिस प्यूबिस एंड मेजर अबाउट 12 सेंटीमीटर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इज गायनेकोइड पेल्विस, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है ये भी। सूचर आर क्रेनियल जॉइंट एंड आर फॉर्म वेयर टू बोन्स एंड जॉइन वेयर टू और मोर सूचर मीट फ्रॉम फोंटानेल्स। एंटीरियर फोंटानेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेगमा, एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी। विच इज डायमंड शेप एंड क्लोजर एट 12 से 18 मंथ ऑफ बर्थ। जो एंटीरियर फोंटानेल होता है वो 1 से 1.5 साल के ऊपर क्लोज होता है। एंटीरियर फोंटानेल होता है जो सर के जस्ट ऊपर, एक होता है पोस्टीरियर फोंटानेल जो कि 1 से 1.5 मंथ के ऊपर, जब बच्चे का जन्म होता है उसके 1 से 1.5 मंथ के ऊपर वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर फोंटानेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्डा विच इज ट्राई एंगुलर शेप एंड क्लोज एट 2 मंथ आफ्टर बर्थ। बर्थ के 1 से 1.5 मंथ के ऊपर ये जो पोस्टीरियर फोंटानेल है वो क्लोज हो जाता है। द लार्जेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ फीटल स्कल इज मैंटो वर्टेक्स विच इज अबाउट 14 सेंटीमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट आता है कैपुट सक्सीडेनम इज द फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग ड्यू टू द स्टेनिंग ऑफ फ्लूड इन द लेयर ऑफ द स्कल बेनिथ द ग्रिडल ऑफ कॉन्टैक्ट। सिफेलो हिमेटोमा इज द कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द बिटवीन द पोस्टीरियर पेरिटोनियम एंड द फ्लैट बोन ऑफ स्कल ड्यू टू रप्चर ऑफ स्मॉल वेन। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द पॉइंट बिटवीन द आईब्रो इज कॉल्ड ग्लैबला। इन प्री नेटल पीरियड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज कंसिडर्ड फ्रॉम 0 to 12 week, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 28 week एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज 29 to 40 week। यूट्रस इज बिकम एबडोमिनल ऑर्गन आफ्टर 12 week ऑफ प्रेगनेंसी। जैटमियर ओब्लिक चैडविक साइन इज द डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना विजिबल एट 8 week ऑफ द प्रेगनेंसी। ओसिंडर साइन इज इंक्रीज पल्सेशन ऑफ द वेजाइना फेल्ट थ्रू द लेटरल फोर्निक्स एट 8 week। गुडल साइन इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स एट 6 week ऑफ प्रेगनेंसी। हैगर साइन इज द सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एट 6 to 10 weeks। पामर साइन इज द रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट 4 to 8 weeks। यूट्रस इज हैंस एग साइज एट 6 week, क्रिकेट बॉल साइज एट 8 week एंड फिटल हेड साइज एट 12 week। नेक्स्ट पायरीफॉर्म शेप ऑफ यूट्रस इज बिकम ग्लोबुलर एट 12 week ऑफ प्रेगनेंसी। एसिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इज इफ देर इज लेटरल इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड पिस्काक्स साइन। परसेप्शन ऑफ द फीटल एक्टिव फीटल मूवमेंट बाई मदर इज कॉल्ड क्विकनिंग हेल्ड बाई 18 week इन द प्राइम ग्रेविडा एंड 16 week इन द मल्टी ग्रेविडा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आता है पिगमेंटेशन ओवर द फोर हेड एंड
chick is called chlosma. Butterfly sign appears at 24 weeks. Next, fetal skeletal shadow may be visible in radiological examination at 16 weeks. Next, lightning is the sense of relief of pressure symptom. It is also called welcome sign of pregnancy. Next, Nagel's rule for estimation. The date of confinement is first day of last menstrual cycle plus 9 month plus 7 days. Gravidity is preferred to number of pregnancy. Parity is the number of previous pregnancy past 20 week of gestation. Pregnancy outcome can be described the acronyms GTPAL. Presumptive sign of pregnancy are amenorrhea, pronounced nipple, urinary frequency, quickening, etc. Probable sign of the pregnancy are uterine enlargement, Hager sign, Goodell sign, Chadwick sign, etc. अब ये दोनों जो दिए हुए हैं presumptive और probable sign है, इनमें से exam के अंदर आता है question, important है exam purpose से. Next आता है positive sign of pregnancy is fetal heart sound and active fetal movement palpable by examiner. Next है during the second and third trimester fetal height in centimeter approximately equals the fetus age in week plus or minus 2 centimeter. ये exam में आया हुआ है. Fundal grip is also called first leopard, which is used to determine the part of uterus in the fundus of uterus. Lateral grip is also called umbilical grip or second leopard. तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, पास में जो बेल आइकन है घंटा है उसको जरूर दबा लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही बनेगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू फ्रेंड्स.